जनपद के विभिन्न स्थानों से लोगों के गायब हुए 35 मोबाइलों को सर्विलांस सेल गोरखपुर द्वारा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 3,64,574 रुपये आकी गई है। गुमशुदा मोबाइल सेट को रविवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह तथा क्राइम ब्रांच के सिपाहियों द्वारा मोबाइल मालिकों को सौंपा गया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच द्वारा सर्विलांस के मदद से 35 मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं, जिन्हें उनके मालिकों को सुपुर्द किया जा रहा है। इस दौरान मोबाइल धारकों ने भी मोबाइल सेट वापस पाने पर खुशी का इजहार किया तथा पूरी पुलिस टीम को बधाई दी। गौरतलब है कि गोरखपुर पुलिस ने गायब हुए मोबाइल सेट को बरामद करके मोबाइल धारकों को उस समय सेट वापस किया जब होली का त्यौहार करीब है। इसके पहले 9 वर्ष पर भी इसी तरह के सराहनीय कार्य किए गए थे। फिलहाल मोबाइल धारक इसे पुलिस विभाग द्वारा होली का तोहफा ही मान रहे हैं। हाँ, पुलिस ने जल्दी वहीं किसी से अंदर आके पूछ लीजिए सब आज सर्विलांस टीम द्वारा स्वाट टीम द्वारा अलग करके विगत काफ़ी महीनों से जो बराबर ये सूचनाएं हम लोग पास आती रहती हैं कि मोबाइल कहीं गिर गया, गुम हो गया, उन्हीं में से 35 मोबाइल स्मार्टफोन सब बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत सब मिलाकर के 3,65,000 के आसपास की हैं। और ये इसी बात की पीसी है और जिनके मोबाइल बरामद हुए उनको सूचना दिया गया है। काफ़ी लोग यहाँ आए भी हैं, थाने में जाते हैं, सूचना देते हैं, संबंधित सूचना हो जाती है, फिर वो क्राइम ब्रांच में भी आते हैं, सीओ क्राइम साहब के पास भी आते हैं, जैसे भी वह वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं जानकारी मिलता है तो सर्विलांस टीम को इंडोर्स किया जाता है, लगाया जाता है और ये इसकी रिकवरी हम लोग करते हैं और इसमें से 35 बरामद भी हुए हैं। कहाँ से रिकवरी हुआ है? नहीं, जो जिनको मिल गया था अब उनको कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना जानकारी नहीं होती है, फिर संपर्क करके जब उनसे उनको संपर्क किया गया, बुलाया गया तो वो शहर से उसको वापस किए हैं। जिसको मिला था वापस किए जी, चोरी नहीं? नहीं, चोरी वाले नहीं है सब, ये जो जिनका गुम हो गया था कहीं बाजार गए, कहीं किसी तरह से गुम हो गया, वो सब मोबाइल हैं। कितने लोगों का जब ये सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, अधिकांश लोग आ भी गए हैं, 35 लोगों का है, अधिकांश लोग आ भी गए हैं, सबको बताया भी गया है, साथ ही कुछ लोग बचे हैं जो ना आ पाए। अरे, ये प्रत्येक महीने ये कार्य करती है, जैसा भी आपने मतलब विगत ठीक महीनों में भी देखा है कि इस प्रकार के अभियान हम लोग चलाते हैं और ये हमारा प्रयास रहता है कि जिन लोगों का मोबाइल मतलब गिर गया हो, गुम हो गया हो, और इसकी सूचना ये पूरे ज़िले की थाने के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सर्विलांस सेल को जाती है, तो ये एक मतलब बैकग्राउंड वर्क इसे आप कह सकते हैं सर्विलांस टीम का। अपराध नियंत्रण के अलावा ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आम जनमानस और जो मतलब जनता है जिसके लिए एक मतलब 5,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन की कीमत भी बहुत ज़्यादा है उसके रोज़मर्रा के जीवन में, उसका फ़ोन अगर कहीं गुम हो गया, गायब हो गया, गिर गया या अरे किसी भी प्रकार, हम उससे भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और फिर उसमें हम लग के उन फ़ोन को वापस बुलाते हैं। और इसमें अन्य चीज़ें जी जाँच का विषय रहती हैं, लेकिन ठीक है, प्रथम दृष्टया लोग ठीक संतुष्ट रहते हैं कि उनका फ़ोन उनको वापस मिल गया और लिखा पड़ी में हमने वापस कर दिया। होली पे गिफ्ट हो गया है, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं। हाँ, रिटर्न गिफ्ट माना जाए। नए साल पे हम लोगों ने चलाया था इस तरह से, दशहरे पे चलाया था, तो लोग आए। मैं चाहता हूँ कि लोग मतलब इस तरफ से आएंगे, बोल के इस तरफ। प्रदीप कुमार मिश्रा, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि चूंकि ये मतलब जागरूकता का विषय है और मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि बिना किसी लालपेट के या बिना किसी जुगाड़ के ये मोबाइल मुझे मिला। मैं एक सिंपल FIR किया और उस FIR का ये नतीजा है कि मैं एक बार पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। यही है ओप्पो है। अभिनव मिश्रा से मोबाइल गिर गया था, हमने कोतवाली में दिया था सर्विलांस के लिए, वहाँ से फिर सर्विलांस में आया, सर्विलांस वालों ने खोज करके आज हमको दिया है। इसके लिए हम ये सितंबर में गया, ये बेटे ने गिफ्ट किया था क्या आपको 16,000 के मोबाइल? तो सर्विलांस वालों को बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। बेटे ने बहुत मन से दिया था, आपने चल रहा है यार।
होली अच्छे से बनेगी सर।